अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे ओ लेवल्स की जो एडिशनल मैथमेटिक्स है उसका टॉपिक है फंक्शंस। हम फंक्शंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप ना जो टॉपिक है फंक्शंस, जो टॉपिक है एडिशनल मैथमेटिक्स का, उसके जो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं कुछ वो करवा दें, ग्राफ से रिलेटेड इस तरह के करवा दें। तो मैंने सोचा मैं आपको करवा दूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। तो टॉपिक हमारा फंक्शंस है। अगर फंक्शंस की मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो फंक्शंस हमारे पास ऐसा एक रिलेशन होता है जिसमें हर इनपुट का एक यूनिक हमारे पास आउटपुट आता है। ये नहीं होता कि हमारे पास रेपिटेशन हो रही हो, इनपुट चेंज हो रहे हो लेकिन आउटपुट एक ही हो, ऐसे नहीं होता। फंक्शन में हर इनपुट का एक यूनिक हमारे पास क्या होता है, आउटपुट होता है। और फंक्शन से रिलेटेड मैं पहले वीडियो बना भी चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसके बारे में जिसमें मैंने फंक्शन रिलेशंस इनके बारे में बताया हुआ है, डोमेन को डोमेन ये सारा। तो वो मैंने वीडियो एक अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको टॉपिक को समझना है तो आप वहाँ पे जाके तफसीलन उसको समझ लीजिएगा। अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे जो आज हमने करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि ये जो डायग्राम है ये हमें शो कर रही है पार्ट ऑफ कर्व। एक कर्व है जिसका हमें पार्ट शो कर रही है। वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन फंक्शन है, वेयर वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है। वाई हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और फंक्शन किसके इक्वल है, हमारे पास पी माइनस ई पावर एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ई पावर एक्स आ गया। इससे आपने परेशान नहीं होना कि अब आपको जाहिर सी बात है कि ई को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपने इससे परेशान नहीं होना कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हम इसे जो है ना कर लेंगे। बस आपने सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है तो फिर इंशाल्लाह सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि पी हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, पी कॉन्स्टेंट है। और उसके बाद ही हमें कह रहे हैं कि द कर्व क्रॉसेज द वाई एक्सिस एट 0 2। वो कह रहे हैं ये जो कर्व है इसने क्रॉस किया है वाई एक्सिस को एट 0 2, तो 0 2 पे किया है ना। एक्स यहाँ पर क्या है, 0 है और वाई क्या है, यहाँ पर 2 है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने बोला है कि जो कर्व है उसने क्रॉस किया है वाई एक्सिस को एट 0 2, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है अगर नीचे आए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0, और वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2। तो वही इनने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कर्व क्रॉसेज द वाई एक्सिस एट 0 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमने इस पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में हमें कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेज एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि ये कौन सा पॉइंट है जिस पे एक्स एक्सिस को इस कर्व ने क्रॉस किया है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कॉपी द डायग्राम अबव एंड ऑन इट्स स्केच द ग्राफ वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। हमने क्या करना है, ग्राफ जो है वो बनाना है इनवर्स, यही जो फंक्शन है इसी के इनवर्स का हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। कोई मुश्किल नहीं है, हम ये कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमने पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए इधर ने क्या हमें बताया हुए तो है पॉइंट्स कि वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस किया है ग्राफ ने, 0 2 पे। तो यही पॉइंट्स हम यूज़ कर लेंगे और इससे हम क्या कर लेंगे, पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो हम फर्स्ट करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कि हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस ई पावर एक्स। ठीक है, यही हमारे पास फंक्शन है ना। और ग्राफ ने कहाँ किया था, इंटरसेक्ट किया था वाई एक्सिस को 0 2 पे, ठीक है, क्रॉस किया था। तो y एक्सिस पे एट 0 2, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास क्या है, जो है y हमारे पास यहाँ से क्या आता है, x हमारे पास 0 है एंड यहाँ से हमारे पास आता है y इक्वल्स टू 2 है। गिवन फंक्शन में हमारे पास क्या था, y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स को किससे करते हैं, y से।
तो ये मेरे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू p माइनस e पावर x, और इसके बीच में ये वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, y की जगह 2 लिख दें, p माइनस e पावर x की पावर क्या x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो e पावर 0। तो हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू उसकी अगर पावर आपके पास 0 आ रही है इसका मतलब है 1 के इक्वल है। तो p क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 इधर चला जाएगा, तो 2 प्लस 1 पी इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है यहाँ पर p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू हमारे पास है जी 3 है हमारे पास, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस एक्स एक्सिस। अब वो कह रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके दिखाएं जहाँ पे कर्व ने क्रॉस किया है हमें इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें अगर, तो यहाँ पे हमें एक्स का पॉइंट तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन वाई का पॉइंट क्या है हमारे पास, 0। ठीक है, तो x हमने फाइंड आउट करना है, y यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0। तो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है ना, तो हम लिख देंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है ना, और हमें पता है कि y किसके इक्वल है, 0 के, और हमें ये भी पता है कि जो बीच में कांस्टेंट p था उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, 3। तो वो p की जगह 3 लिख देंगे और y की जगह हम 0 लिख देंगे, तो यहाँ से ईजिली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका सेकंड पार्ट है मेरे पास, सेकंड पार्ट है जी, और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट किया है कि p किसके इक्वल है हमारे पास, 3 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू p माइनस e पावर x है ना, तो f ऑफ x की जगह लिख देंगे y, p की जगह लिख देंगे 3 माइनस e पावर x, और एज y इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इस वजह से y 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू 3 माइनस e पावर x। ये e पावर x जब इधर जाएगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, e पावर x इज इक्वल टू 3, हमें x चाहिए e नहीं चाहिए, तो e को ख़त्म करने के लिए हम इसके जो है वो अपोजिट चीज़ लेंगे, तो log का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, सॉरी e का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, log होता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एल एन, बोथ साइड पे ले लेंगे e पावर x इज इक्वल्स टू एल एन 3, ठीक है, log ऑफ 3। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो x मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, x मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर में होगा, नेचुरल log नहीं लेना, ये वाला लेना है, ठीक है, एल एन वाला log लेना है, तो ये और साथ में 3 लिख देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1. ये मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास आ रही है 1.098। तो अगर मैं से 3 मतलब कि पॉइंट के बाद अगर मैं से 2 डेसिमल प्लेसेस तक करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास 10, यानी कि 1, और यहाँ पर आ जाएगा आगे 0, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इसकी इक्वल, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया है इसको, तो ये मेरे पास हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा, 1.10 के, ठीक है, और मैंने इसे राउंड ऑफ किया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, या लिख रहे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है, तो मैंने इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर लिया। तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या पॉइंट आया जहाँ पे ग्राफ ने क्रॉस किया एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट मेरे पास आया अप्रॉक्सीमेटली 1.10, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, और नीचे हम वो पॉइंट पे लिख देते हैं यहाँ पर कि द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट लॉग ऑफ 3 एंड 0। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, लॉग ऑफ 3 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो इस पॉइंट पे क्रॉस किया है ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, ये तो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि कॉपी द डायग्राम अबव एंड ऑन इट स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इसी के इनवर्स को यहाँ पे हमने प्लॉट करना है। तो जब भी हमने इन्वर्स फंक्शन करना हो तो उसके लिए हम पता क्या करते हैं, हम करते हैं इधर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल्स टू x,
y इज इक्वल्स टू एक्स क्या करती है कि जो हमारा ग्राफ होता है इसको बिल्कुल मतलब बाइसेक्ट कर देती है टू इक्वल पार्ट्स में। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गिवन ग्राफ होता है ना इसी का हम रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं इसी को। रिफ्लेक्ट किस तरह हम करते हैं कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है उसको वाई की बना देते हैं और जो वाई की वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं हम एक्स की वैल्यू बना देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वाई इज इक्वल टू एक्स को ड्रॉ करते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास आएगा ये वाला पॉइंट। तो ये आएगा यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पॉइंट और ये तकरीबन यहाँ पे दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब मैं स्केल लेके इनको क्या करती हूँ यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है y is equals to x जिसने इस ग्राफ को टू इक्वल पार्ट्स में सेपरेट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था ना कि जहाँ पे ग्राफ ने कट किया है x एक्सिस को, वो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, वो पॉइंट हमारे पास है जी, वो पॉइंट हमारे पास है log ऑफ 3 और 0, यानी कि ये जो मेरे पास पॉइंट है ये क्या है मेरे पास log of 3, जो कि मेरे पास किसके इक्वल आया है अप्रॉक्सीमेटली 1.10। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट आया, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है ना, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ये पॉइंट्स, x मेरे पास है 1.10, ये जो फर्स्ट ग्राफ है मेरे पास, और यहाँ पर y क्या है मेरे पास 2 है। ठीक है, इसी पे कर रहे हैं ना, ये मेरे पास है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन जब हमने करना है ना f इनवर्स ऑफ x का हमने जब ग्राफ बनाना है, ठीक है, हमने जब करना है ना y इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x, अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम चेंज कर देंगे, हम x को 2 कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे y को कर देंगे 1.10। ठीक है, बस सिंपल सा काम है, y इज इक्वल टू एक्स एक आपने जो है वो ड्रॉ करनी है, बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर कि जो x की वैल्यू है उसको y की वैल्यू बना देनी है और जो y की वैल्यू है उसको x की वैल्यू बना देनी है और इस ग्राफ को आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर ये 1.10 है, तो तकरीबन ये यहाँ पर आएगा मेरे पास पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और 2 ये है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर एक कर्व बना लेना है। ठीक है, जिस तरह ये बना हुआ है तो मैं यहाँ पे ये कर्व बना लेती हूँ। ठीक है, बल्कि मैं इसको एक काम करती हूँ, मैं इसको किसी और कलर से कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल सही से समझ आ जाए। ओ, इसको हम ऐसे करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कर्व ड्रॉ कर लिया है, तो ये कर्व मेरे पास किसका बन गया है, y इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो इतना सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने करना क्या है कि जब भी आपने इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो जो आपके पास गिवन फंक्शन है उसकी जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको आपने क्या करना है, चेंज कर देना है, जो x की वैल्यू है उसको y की कर देनी है, जो y की वैल्यू से x की वैल्यू कर देनी है और बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है पहले y इज इक्वल्स टू x। बेसिकली इनवर्स फंक्शन उसी की हमारे पास क्या होती है, उसी की इमेज होती है, ठीक है, उसी को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सही है, तो ये हमारे पास ग्राफ भी बन गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है जो टॉपिक फंक्शंस है उसका एक क्वेश्चन करवाया है ग्राफ वाला। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।